हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। एक बार हिंदी वर्णमाला हम चैप्टर पढ़ रहे थे, खास करके ये हिंदी के जो भी एग्ज़ाम हैं जैसे UPTET, CTET या सुपर टेट, उन सभी में आपके काम आ सकता है। तो हिंदी वर्णमाला के पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्वर के बारे में, स्वर क्या होते हैं जिनका उच्चारण हम किसी भी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना भी कर सकते हैं, उन्हें स्वर बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्वर के प्रकार, जैसे कि मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर तो आपको पता है, जैसे अ ई उ जो छोटे वाले होते हैं, छोटा। उसके अलावा दीर्घ स्वर जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, वो किन से मिलकर के बने हैं, तो आप ये सब चीज़ें मेरे पुराने वाले वीडियो में देख सकते हैं। उसके अलावा जो स्वर, जितने भी स्वर हैं, स्वर टोटल कितने थे, 11 थे, उन सभी स्वर में उनका उच्चारण कैसे होता है, उनके उच्चारण को करते समय हमारे जो मुंह है, मुंह का कौन सा भाग यूज होता है, उसके अनुसार आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर ऐसे आते हैं, तो वो भी मैंने आपको बताए थे। अभी स्वर के बारे में कुछ एक दो बातें और हैं जिन्हें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, और उसके अलावा फिर हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। और व्यंजन के अलावा कुछ और बातें आती हैं व्यंजनों के साथ में, जैसे कि अल्पप्राण, महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं, अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक, इन सब की डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा, जिसके बाद आपको स्वर और व्यंजन पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे दोनों वीडियो देखने के बाद। फिर हम करेंगे क्वेश्चन और आंसर। अगर उच्चारण काल के आधार पर देखा जाए तो जो स्वर है उनको हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में विभक्त किया जाता है। हर्ष स्वर जिसे हम मूल स्वर भी बोलते हैं, तो इन तीनों में विभक्त किया गया था। और जो हर्ष स्वर हैं उनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। अगर इनको हम डिवाइड करते हैं तो जैसे कि हर्ष स्वर बोला जाता है, तो उनके जो उनको जब हम बोलेंगे तो बहुत कम समय लगता है, और जो दीर्घ स्वर हैं उनको जब हम बोलते हैं तो उनमें जो हर्ष स्वर है उससे दुगना समय लगता है। और उसके अलावा जो प्लुत स्वर होते हैं, तो प्लुत स्वर जो बोला जाता है उसके उच्चारण में जो हर्ष स्वर है उससे 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। तो जो प्लुत स्वर है उसे हम जो 3 का अंक लगाते हैं, जैसे कि ओम लिखते हैं, तो यहाँ पर 3 का जो अंक लगा दिया है इससे हम दर्शाते हैं, और इसमें हर्ष स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। तो ये कुछ बातें थीं अगर उच्चारण के आधार पर अगर डिवाइड करेंगे स्वरों को, तो नहीं तो वैसे डिवाइड करने पर मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में डिवाइड किया गया था। अभी हम देखेंगे व्यंजन को। तो दोस्तों व्यंजन क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन, इनको आपको याद रखना है। तो स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण हम किसी भी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना भी कर लेते हैं, लेकिन व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। कहने का मतलब है जो भी व्यंजन है अगर आपको उनको उच्चारण करना है तो आपको साथ में, आपको भले ही छिपा हुआ रहेगा मालूम नहीं चलेगा, लेकिन कोई ना कोई स्वर जरूर यूज हो रहा होगा। व्यंजन की परिभाषा तो आप जान गए, लेकिन अभी हम देखेंगे व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन को दोस्तों कुछ भागों में बांटा गया है अलग अलग हिसाब से, जैसे कि टोटल जो मूल व्यंजन है वो होते हैं 33। उसके अलावा 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, 2 संयुक्ताक्षर व्यंजन हैं, 2 अयोगवाह हैं। इस तरीके से मूल स्वरों को मिला करके टोटल 52 वर्ण बनते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो सबसे पहले मूल व्यंजन की बात करेंगे, जिन्हें हम मूल व्यंजन जो 33 हैं उसमें से डिवाइड करना चाहेंगे, तो एक तो वर्गीय व्यंजन या फिर बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों बोला जाता है इन्हें, क्योंकि स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उस समय हमारे मुंह के अंदर, जैसे कंठ या फिर हमारा तालू या जो मूर्धा यानी कि मुंह का जो ऊपर का आगे का भाग है वो, या दांत या फिर ओठ, इन कोई ना कोई स्थानों को आपस में स्पर्श जरूर होता है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें स्पर्श होगा जब भी हम कोई भी व्यंजन का यूज करेंगे, तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। और इन्हें हमने थोड़ा डिवाइड कर रखा है अलग अलग वर्ग में, जैसे कि व्यंजन शुरू होते हैं क से लेकर के ये जैसे म तक, तो इन्हें अलग अलग वर्ग दे दिया है, जैसे क ख, यहाँ पर आप देख सकते हैं क वर्ग में क ख ग घ अंगा, और च वर्ग में च छ ज झ वा, ऐसे करके, तो इनको जो अलग अलग वर्ग में बांटा हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन्हें अलग अलग वर्ग में बांटने की वजह से वर्गीय व्यंजन भी बोल सकते हैं, और इनके उच्चारण में स्पर्श होता है मुंह का कोई ना कोई भाग, तो इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। ये टोटल कितने हैं, 25 हैं।
उसके अलावा मूल व्यंजन में से होते हैं अंतस्थ व्यंजन। चार अंतस्थ व्यंजन हैं। जब म तक ये हो गया, उसके बाद य, र, ल और व, ये चार हैं अंतस्थ व्यंजन। और इन्हें अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच में हैं, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इन्हें अर्धस्वर भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है कि वर्णमाला में अर्धस्वर किसे बोला जाता है, तो आप य, र, ल, व यानी कि अंतस्थ व्यंजन का नाम लिख सकते हैं ऑप्शन में। अब इनका भी उच्चारण अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, क वर्ग का उच्चारण कंठ से है, जैसे क, ख, ग, घ, आप खुद ही बोल के देखेंगे तो कंठ यानी कि आपके गले के अंदर से आवाज़ आएगी और कहीं भी मुंह में कहीं भी कुछ स्पर्श नहीं होगा। अगर आप बात च वर्ग में करेंगे, च, छ, ज, झ, तो आपका तालू में टच हो रही है जीव। ट वर्ग में देखेंगे तो ट, ठ, ड, द, ड, तो आपका जो मुंह का आगे का भाग है, ऊपर का भाग में, वहाँ पर जीव टच होती है। त वर्ग में दांतों से, जैसे त, थ, द, ध, न, तो यहाँ पर दांतों से टच होती है जीव। और प वर्ग में ओठ, जैसे प, फ, तो यहाँ पर दोनों ओठ आपस में टच हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें पहचान सकते हैं। टोटल 25 हैं। अभी अगर बात करें अंतस्थ व्यंजनों की, तो चार हैं। जैसे य, तो य में तालू का यूज हो रहा है। र में जीभ ऊपर लग रही है मुंह के आगे वाले हिस्से में। ल, यहाँ पर दांतों में टच होती है। और व में दंतोष्ठ यानी कि दांत और ओष्ठ दोनों में टच होती है। द, व, तो य, र, ल, व, आप अब समझ गए, यहाँ पर दांत और ओष्ठ दोनों का यूज होता है। उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मीन्स क्या होती है? ऊष्मा। तो ऐसे जो वर्ण हैं, अगर जिनका उच्चारण किया जाता है, तो मुंह के जो अंदर के भाग हैं उनमें घर्षण होता है, जिससे ऊष्मा जैसी उत्पन्न होती है। फीलिंग कर सकते हैं आप। तो ये चार हैं, जैसे श, श, स, ह। तो यहाँ पे क्या है, इन चारों का जब यूज करते हैं, जैसे श यूज किया तो जीभ तालू से लगी, और श यूज किया तो जीभ आगे वाले हिस्से से लगी। तो इन सब में अंदर से एक हवा सी निकलती है यानी कि ऊष्मा निकलती है। स, यहाँ पर दांतों से लगा जीभ, और ह, पूरा कंठ से एकदम से हवा निकलती है, ऊष्म निकलती है। तो इन्हें ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। ये टोटल कितने हो गए? 33 हो गए मूल व्यंजन। अब इनके बाद बात आती है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? दो हैं, एक तो है ड, एक ड, ये दो हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये जो व्यंजन है, इनका जो विकास हुआ था एक अपभ्रंश में हुआ था। अपभ्रंश मीन्स बिगड़ा हुआ रूप में, और वहीं से ये हिंदी में एक्सेप्ट कर लिए गए थे। जब इनका उच्चारण किया जाता है, तो जीभ सीधे उठेगी और जो मुंह का आगे का भाग है मूर्धा, उसको स्पर्श करती है, और उसके बाद बहुत ही स्पीड से नीचे आती है। इसीलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। आपको आगे से याद रखना चाहिए, इन्हें क्या बोला जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से हैं? ड और ड। इनके उच्चारण में क्या होता है, आपको बताया है कि जीव सीधे आगे के हिस्से में लगती है, मूर्धा हिस्से में, और बहुत ही स्पीड से नीचे आती है। इसीलिए इनको उत्क्षिप्त बोला जाता है। ये दो हैं, ड और ड, जो ढपली वाला ड और ये ड वाला ड, डलिया वाला ड। और उसके बाद कौन सा आता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन चार हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र, श्री वाला श्री। ये हैं चार संयुक्त व्यंजन। इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो संयुक्त व्यंजन है, इन्हें संयुक्त इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका निर्माण दो व्यंजनों के जोड़ से हुआ है। जैसे छ, क्षत्रिय वाला छा है, तो यहाँ पर क, और यहाँ पर ये हलंत, जो हलंत ये यूज की जाती है, कब यूज की जाती है इसे भी मैं आगे बता सकता हूँ, अभी बता देता हूँ। जो ये चिन्ह है हल वाला, ये तब यूज करते, जैसे कि हम को जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी व्यंजन होगा तो वो तभी हम व्यंजन ध्वनि मानी जाती है, उसमें स्वर के बिना व्यंजन नहीं बन सकती है, व्यंजन की संरचना नहीं हो सकती। जैसे क, तो क प्लस अ, लेकिन यहाँ पे हलंत लगा दी, तो यहाँ पे मीन्स स्वर को निकाल दिया गया है, ये साफ साफ बता रहे हैं। तो हलंत वाला क प्लस श, तब बनता है छत्तीस का छ। ऐसी त्र में ये हलंत वाला त यानी कि बिना स्वर वाला ता और र, तो हो गया त्र। ऐसे ही ज्ञान में ज प्लस वा। अगर आपको कभी कीपैड में भी इसे ज्ञान को लिखना है, आपके कीपैड में ज्ञान नहीं है हिंदी में, तो आप आधा ये ज, हलंत वाला ज और वा यूज कर सकते हैं, तो उससे आपका ज्ञान बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो संयुक्त व्यंजन है, ऐसे आपके बन जाएंगे।
उसके बाद कौन से व्यंजन की बात आती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं संयुक्त व्यंजन के अलावा होते हैं अयोगवा। अयोगवा में क्या है, अयोगवा व्यंजन के अलावा एक ध्वनि भी है। तो ध्वनि मीन्स जैसे हिंदी में अनुस्वार और विसर्ग बोल सकते हैं हम इसे, तो वैसे ही अयोगवा है। अनुस्वार मीन्स जो एक नॉर्मल बिंदी का यूज करते हैं, और ये जो दो बिंदी हैं इन्हें बोलते हैं विसर्ग। तो दो तरीके, ये दो होते हैं अयोगवा, और इन्हें अयोगवा ध्वनि माना जाता है क्योंकि ना तो ये स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। ये कहाँ पर यूज होते हैं, जब स्वर जैसे कि लास्ट में स्वर दो हैं, अ आ ई के बाद अं और ह, तो वहाँ पर ये दोनों यूज होते हैं। तो ये स्वर क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्वर की तरह स्वतंत्र नहीं है, इन्हें यूज किया जाता है किसी और के साथ। और व्यंजन क्यों नहीं है, और व्यंजन इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्वर के पश्चात आते हैं, पूर्व नहीं आते हैं, यानी कि पहले नहीं आते हैं। तो और खास करके जो स्वर और व्यंजन ना होते हुए भी जब इनका जो अर्थ है वो एक्चुअली हमेशा वहन यानी कोई चीज़ के लिए अनिवार्य होता है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह बोला जाता है। अयोगवाह कौन से हो गए, जब स्वर खत्म होते हैं अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ, उसके बाद अंग और ह। तो अंग ह में ये जो ऊपर की बिंदी और पीछे जो विसर्ग है इन्हें बोलते हैं अयोगवाह ध्वनियाँ। ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। जो ऊपर की बिंदी इसे अनुस्वार बोलते हैं, और पीछे जो दो बिंदी लगी होती है इन्हें विसर्ग बोलते हैं। तो अभी आपको टोटल व्यंजनों के बारे में मालूम चल गया, ये जो व्यंजन थे टोटल, और उसके अलावा अन्य वर्ण में संयुक्त व्यंजन और अयोगवाह ध्वनियाँ, इनके बारे में आपको जानकारी हुई। और इसके अलावा इन्हें इनके उच्चारण में कैसे कैसे यूज करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। जैसे अनुस्वार ये बिंदी है, विसर्ग ये बिंदी है, संयुक्त ये हो गए, उत्क्षिप्त ये हो गए। लेकिन उसके अलावा इन्हें कुछ और भी बोला जाता है, जैसे अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं, टोटल जो व्यंजन है जैसे कि क वर्ग में, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। सबसे पहले हम मतलब समझेंगे अल्पप्राण के बारे में। अल्पप्राण महाप्राण है क्या, प्राण मीन्स होता है जैसे कि वायु को यूज करना, जैसे कि हमारे अंदर से प्राण निकल जाना यानी कि सांस निकल जाना, और प्राण होना मीन्स सांस है। अल्प प्राण मीन्स कम हवा, सांस मीन्स हम हवा के रूप में लेते हैं तो कम हवा, और महाप्राण मीन्स ज़्यादा हवा। तो उसी के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया है कि जब उच्चारण होता है तो कौन से व्यंजन में कम हवा निकलती है मुंह से, कौन से व्यंजन में ज़्यादा हवा निकलती है, तो उसको अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन के रूप में बांट दिया गया है। तो जो टोटल वर्ग थे, जैसे कि क वर्ग है, क वर्ग में कौन से आ रहे थे, क ख ग घ और अंगा। तो हर एक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा जो वर्ग है वो अल्प प्राण है। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, पहले जैसे कि क वर्ग में पहला क, ख में ज़्यादा हवा निकल रही है, ग घ में ज़्यादा हवा निकल रही है, तो क्या हो गया, पहला तीसरा और पांच, ये तीन। उसी तरीके से दूसरे वर्ग में आप देख सकते हैं पहला तीसरा और पांच, तो ये तो हो गए कौन से, अल्प प्राण। और दूसरा चौथा ये हो जाते हैं महाप्राण, ख और घ बहुत जोर से हवा निकल रही है इनके कंपेयर में, इन्हें क्या बोलते हैं, महाप्राण। और इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व, ये जो अंतस्थ व्यंजन है ये अल्प प्राण माने जाते हैं, कम हवा निकलती है, और उसमें व्यंजन में आपको पता ही है इनमें महाप्राण माना जाता है, ज़्यादा हवा निकलती है। और सबसे बड़ी बात है जितने भी स्वर हैं वो सभी के सभी अल्प प्राण माने जाते हैं। अभी हम यहाँ पर लिस्ट देखते हैं, जैसे अल्प प्राण में आप समझ गए सभी वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा ये हो गया अल्प प्राण, सभी स्वर हो गए अल्प प्राण, अंतस्थ व्यंजन हो गए अल्प प्राण, और इसके अलावा अनुनासिक जो कि मैं आपको बताऊंगा जो कि पंचमाक्षर बोला जाता है, ङ ङ ण म, ये जो पंचमाक्षर है अनुनासिक जिनमें नाक का यूज होता है ये भी अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण में कौन से हैं, सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण हैं, और ऊष्म व्यंजन महाप्राण में काउंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि व्यंजनों को वर्गों में बांटा गया। उसके अलावा ध्वनियों यानी कि जैसे बोलने के आधार पर, श्वास के आधार पर भी कौन से ज़्यादा हवा निकलती है। तो अभी आपको अल्प प्राण और महाप्राण याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी,
प्राण मीन्स क्या होता है, हमारी सांस से मतलब होता है। सांस में हम क्या लेते हैं, हवा लेते हैं। अल्प मीन्स कम, महा मीन्स ज़्यादा, तो कम हवा और ज़्यादा हवा, इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं। अल्प प्राण महाप्राण के अलावा एक होते हैं अघोष और सघोष वर्ण। घोष मीन्स क्या होता है, जोर से आवाज़, और सघोष, तो जैसे अघोष और सघोष वर्ण के अंतर का जो आधार है वो आवाज़ का भारीपन होता है। अघोष वर्ण जो होते हैं उनमें आवाज़ कम भारी होती है, और जो सघोष वर्ण होते हैं उनमें आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्गीय या फिर जिन्हें स्पर्श व्यंजन हम बोलते हैं, जो वर्ग में बटे हुए हैं, उसमें प्रथम यानी कि पहला और द्वितीय व्यंजन अघोष वर्ण, और तीसरा चौथा और पांचवा होता है सघोष वर्ण। यहाँ पर भी थोड़ा अंतर है। जैसे अल्प प्राण में क्या था, पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण था, दूसरा चौथा महाप्राण था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब हम फिर से चलेंगे वर्ग में, यहाँ पर क्या बोला है, पहला और दूसरा, ये हो गया अघोष। जैसे क ख, ये अघोष हो गया, और उसके अलावा तीसरा चौथा और पांचवा, इन्हें बोला जाता है सघोष। ग घ और ङ, ये ज़्यादा इनमें भारीपन है, क और ख में कम भारीपन है, इस तरह इन सभी का सेम है। और इसके अलावा जो ऊष्म व्यंजन है श श और स, ये भी अघोष बोले जाते हैं, सभी स्वर अघोष बोले जाते हैं। सॉरी, करेक्शन है, इसमें क्या होता है, जो ऊष्म व्यंजन है जो श श और स, ये होते हैं अघोष, कम भारी आवाज है। उसके अलावा जो सभी स्वर हो गए, अंतस्थ व्यंजन है य र ल ब, जो आप देख रहे हैं अंतस्थ व्यंजन, ये जैसे अल्प प्राण होते हैं लेकिन यहाँ पर सघोष में काउंट होते हैं, ये यहाँ पर वैसे महाप्राण होते हैं, ज़्यादा हवा निकलती है, लेकिन अगर अघोष सघोष में बात करें तो ये अघोष में काउंट होते हैं, ये सघोष में काउंट होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण में काउंट होते हैं लेकिन सघोष में काउंट होते हैं। और इसके अलावा जो आपने देख लिया है यहाँ पर या रा ला बा, और यहाँ पर जो ऊष्म व्यंजन में से ह है, ह को हम काउंट करते हैं सघोष में, इसमें ज़्यादा आवाज़ होती है, यानी कि पूरा का पूरा जो ऊष्म व्यंजन है उसे आप नहीं बोल सकते हैं अघोष में। श श और स, ये होते हैं काउंट अघोष में, ह काउंट होता है सघोष में। अभी यहाँ पर आपको मैं लिस्ट दिखाता हूँ, यहाँ से आप समझ जाएंगे। जैसे कि सभी वर्ग या स्पर्श व्यंजन का जो वर्ग है, क वर्ग च वर्ग, उनका पहला और दूसरा ये हो गया अघोष, तीसरा चौथा पांचवा हो गया सघोष। उसके अलावा ऊष्म व्यंजन में से श श और स, ये हो गए अघोष, ह हो गया सघोष, सभी स्वर हो जाएंगे सघोष, और अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं सघोष। अब यहाँ से आपको इन सभी के बारे में मालूम चल गई बातें। अभी हम आपको बात बताऊंगा मैं आपको अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में। अनुस्वार और अनुनासिक जो दोनों ही जो हैं, अनुनासिक को पंचमाक्षर भी बोलते हैं, पांच अक्षर जो होते हैं, इन दोनों में ही नासिक के यानी कि नाक की ध्वनियाँ यूज होती हैं। अनुस्वार ना तो व्यंजन है और ना ही स्वर हैं, जबकि जो अनुनासिक या फिर पंचमाक्षर हैं वो व्यंजन हैं, क्योंकि पंचमाक्षर में कौन से, अंगा वा णा ना मा, ये यूज होते हैं जो कि व्यंजन में से लिए गए हैं। लेकिन जो अनुस्वार हैं, अनुस्वार में क्या आता है, बिंदु, यानी कि एक जो बिंदु अनुस्वार कौन से हो गए, जो शुरुआत में थे, एक जो बिंदी थी अंग वाली बिंदी, ऊपर वाली बिंदी, वो हो गई अनुस्वार, और जो चंद्र बिंदी हम यूज करते हैं वो भी अनुस्वार बोली जाती है, सॉरी उसे अनुनासिक बोला जाता है, क्योंकि ये जितनी भी ध्वनियाँ हैं ये सभी ओनली ध्वनियाँ हैं। तो अगर हम लिखने में यूज करेंगे तो अनुस्वार को बिंदु और अनुनासिक को चंद्र बिंदी से प्रदर्शित करते हैं, और चंद्र बिंदी जब यूज करते हैं तो ये सभी वर्ड आ जाते हैं। जो अनुस्वार है, अनुस्वार का जो मतलब होता है वो क्या है, स्वर के बाद उच्चारण, यानी कि अंग अंग में कैसे पहले स्वर आया फिर उसका उच्चारण आता है। जैसे कि गंगा, तो ग के बाद ग, फिर तो ग प्लस अ, उसके अ के बाद फिर आता है बिंदी, मंदी, म के बाद फिर बिंदी, तो ये क्या है, यहाँ पे स्वर जो आते हैं म प्लस अ, वो हो गया स्वर। तो स्वर के बाद जब उच्चारण आ रहा है तो उसे बोलते हैं बिंदी आ रही है, वो हो गया अनुस्वार। अनुनासिक क्या होती है, स्वर के साथ में आती है, जैसे बांस, तो ब और जो चंद्र बिंदी का जो उच्चारण है बांस, ये एक साथ आ रहा है, नाक की ध्वनि, नासिक की ध्वनि आती है। आंचल, जोंक, तो इस तरीके से अनुस्वार और अनुनासिक को आप समझ सकते हैं, यही इनमें एक ओनली अंतर है। अनुस्वार कौन सी हो गई, बिंदी, अनुनासिक कौन सी हो गई, चंद्र बिंदी। इस तरीके से अनुस्वार क्या है, ना तो स्वर है
ना व्यंजन है लेकिन अनुनासिक व्यंजन है। तो इस तरीके से आपको अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में मालूम चल गया। बाकी व्यंजनों के बारे में मैंने आपको सभी तरीके से समझा दिया है, अल्पप्राण महाप्राण में वर्गीकरण करके, अघोष और सघोष वर्णों में भी वर्गीकरण करके। अभी भी आपको इन दोनों वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट होता है हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बारे में, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का, चाहे UPTET, CTET, सुपर टेट, इससे ज़्यादा और किसी में नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से। अगले वाले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब आप मुझे बताइए कि आपको शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप ना कर पाएंगे इस दोनों वीडियो को देखने के बाद। आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये यूजफुल हुआ है, आपके लिए हेल्प हुई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों।